चलिए अब जरा खाने पीने की बात हो जाए। ब्रेड पर जैम यानी बेहतरीन नाश्ता, और अगर जैम मशीनों से नहीं बल्कि हाथों से तैयार किया गया हो तब तो मजा दोगुना। चेरी, सेब और संतरे के जैम इन छोटी बोतलों में बंद हैं। खुशबुओं का ये खेल क्रिस्टीन फेरबेयर के हाथों का कमाल है। फ्रांस की मशहूर मास्टर कुक फेरबेयर के जैम दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। फ्रांस के एल्सास इलाके में वोज पहाड़ियों की तलहटी में बसा है नीडर मोशवी। वहाँ क्रिस्टीन की पेस्ट्री की छोटी सी दुकान है। दुकान के पिछले हिस्से में है उनकी जैम बनाने की फैक्ट्री। रोज के रोज मास्टर शेफ फेरबेयर 6 बजे सुबह से लग जाती हैं बेकिंग के काम पर। 1980 के दशक में उन्होंने पहली बार अपने हाथों से बनाया जैम बेचना शुरू किया। मेरी माँ ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारा जैम तो बस केक पर सजाने के लिए है, हम जैम बेचेंगे तो बड़े ब्रांड के, जैसे बोमामा या बेयर। लेकिन ग्राहकों ने कहा, नहीं, हमें तो आपका वाला जैम चाहिए, अगर आप इसे नहीं बेचेंगे तो हम चले जाएंगे। और ग्राहक खाली हाथ वापस लौट गए। फिर क्या था, क्रिस्टीन फेरबेयर की प्रेरणा जग गई। केक बनाने के बाद अब वो जैम बनाती है। 4 किलो फल और 1 नींबू का रस। क्रिस्टीन फेरबेयर थोक में नहीं बनाती और ताजे फलों का ही इस्तेमाल करती हैं। अब तक इन्होंने 850 किस्म के जैम तैयार किए हैं, जैसे रस भरी का जैम। पकाने के दौरान मैं सोचती हूँ कि मुझे कैसा गाढ़ापन चाहिए, कैसा रंग चाहिए। फिर मैं डेगची में इसे चलाती रहती हूँ जब तक वो रंग नहीं आए जिसकी मैंने कल्पना की थी। इसी का नतीजा है कि इनको जैम की रानी का नाम मिला। जैम की रानी, जैम की परी, ये नाम लोगों ने मुझे दिए हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। हलवाई या शेफ से कहीं ज्यादा अच्छा है। परी या रानी, ये बड़ा खूबसूरत है। और ये रानी बहुत ही मेहनती है। दुनिया भर में इनके जैम बिकते हैं। 200 ग्राम के लिए करीब 500 रुपए चाहिए। जैम बनाना और उसके बारे में लिखना, अपनी खास रेसिपी का रहस्य क्रिस्टीन फेरबेयर की किताबों में भी है। फ्रांस, इटली, अमेरिका और जापान में फेरबेयर लोगों को सिखाती भी हैं। बारिश हो या धूप, क्रिस्टीन फेरबेयर अपने बगीचे में फलों को देखती रहती हैं। बिल्कुल पके हुए फलों से जैम नहीं बनाया जा सकता। फेरबेयर एल्सास इलाके के किसानों के ही फलों का इस्तेमाल करती हैं। वापस किचन में, 4 किलो फल से बनते हैं 20 बोतल जैम। फ्रांस के मशहूर शेफ अला दुकास और पॉल बोक्यूस फेरबेयर का जैम खरीदते हैं। पेरिस के मशहूर मिठाई बनाने वाले पियर एर्म भी फेरबेयर के ही हाथों का बना जैम बेचते हैं। लोग यहाँ वापस आते हैं और आपसे कहते हैं, ओह, ये अच्छा जैम है, और फिर और जैम खरीदते हैं। ये बात की दुनिया भर में मुझे पहचान मिली है। इसका मतलब यही हो सकता है कि मैं कुछ सही कर रही हूँ। सुंदर सी बोतल में छिपी फलों की मिठास, इससे भला कौन दूर रह सकता है।